हेलो स्टूडेंट्स, आज क्लास प्लस वन यूनिट नंबर वन फिजिकल वर्ल्ड एंड मेजरमेंट्स के लेक्चर नंबर 12 में हमारा टॉपिक है प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन पावर। इससे पहले हम प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन एडिशन, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन सब्ट्रैक्शन, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन डिवीजन, प्रोपोगेशन ऑफ एरर इन प्रोडक्ट, ये टॉपिक्स प्रीवियस लेक्चर्स में ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो आज जो हम सीखने जा रहे हैं बात, वो ये है कि अगर मान लो आपको कोई एक फार्मूला गिवन है और उस फार्मूला में हमें जो डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटीज इन्वॉल्व है, उन फिजिकल क्वांटिटीज की फार्मूला में कुछ पावर एग्जिस्ट कर रही है, जैसा कि यहां सामने आप स्क्रीन पे देख रहे हो कि मान लो हमें एक फार्मूला गिवन है, तो इस फार्मूला में जो क्वांटिटी z है वो तीन क्वांटिटीज p, q एंड r पे डिपेंड कर रही है, और इस फार्मूला के अकॉर्डिंगली जो क्वांटिटी p है दैट इज रेज टू पावर स्मॉल a, q इज रेज टू पावर स्मॉल b एंड r इज रेज टू पावर स्मॉल c। तो इस फार्मूला में जो इक्वेशन हमें गिवन है उसमें क्वांटिटी z तीन क्वांटिटीज p, q एंड r पे डिपेंड कर रही है और उनकी पावर्स a, b एंड c रिस्पेक्टिवली है। तो अब जो क्वांटिटी p है उसकी पावर है a, q की पावर है b, और बिकॉज r क्वांटिटी r जो है दैट इज लाइंग इन डिनोमिनेटर, तो जब हम इसको ऊपर लेके जाएंगे तो उसकी पावर बिकम्स माइनस सी। तो अब जो क्वांटिटी z है वो तीन क्वांटिटीज p, q एंड r पे डिपेंड कर रही है, p की पावर a, q रेज टू पावर b, r रेज टू पावर माइनस सी। अब अगर हमने जो फिजिकल क्वांटिटी z है उसकी मैक्सिमम रिलेटिव एरर निकालनी है, क्योंकि जब भी हमें एरर के टॉपिक में पूछा जाएगा कैलकुलेट रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर, इट मींस मैक्सिमम रिलेटिव एरर और मैक्सिमम परसेंटेज एरर। तो मैक्सिमम रिलेटिव एरर इन z कैसे लिखेंगे आप, कैलकुलेट कैसे करेंगे, डेल्टा z बाय z इज इक्वल टू, तो जो फर्स्ट क्वांटिटी है p उसकी पावर को स्मॉल a को आप मल्टीप्लाई करोगे रिलेटिव एरर इन p, डेल्टा p बाय p क्या है, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी p, प्लस पावर b को किसके साथ मल्टीप्लाई करोगे, रिलेटिव एरर इन क्वांटिटी q, डेल्टा q बाय q, प्लस अब यहां पे एक बात का ख्याल रखना है क्योंकि हम मैक्सिमम रिलेटिव एरर और मैक्सिमम परसेंटेज एरर कैलकुलेट करते हैं, तो इस कारण हमने पावर जो है चाहे वो पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव, यहां पे नेगेटिव साइन कंसिडर नहीं करना, तो यहां पे जो पावर है वो माइनस सी नहीं सी यूज होगी, तो सी इज मल्टीप्लाइड विद रिलेटिव एरर इन आर, क्वांटिटी आर, डेल्टा आर बाय आर। तो यहाँ डेल्टा पी बाय पी क्या है, जो पी क्वांटिटी है उसकी रिलेटिव एरर है, डेल्टा क्यू बाय क्यू क्या है, जो क्वांटिटी क्यू है उसकी रिलेटिव एरर है, डेल्टा आर बाय आर क्या है, जो क्वांटिटी आर है उसकी रिलेटिव एरर है। तो उन रिलेटिव एरर्स को हमने उनकी रिस्पेक्टिव पावर्स के साथ मल्टीप्लाई करना है, बट विदाउट कंसिडरिंग नेगेटिव साइन ऑफ द पावर, तो जैसा आप यहाँ पे देख रहे हो। और अगर आपने परसेंटेज एरर इन जेड निकालनी है तो परसेंटेज एरर इन जेड कैसे निकलेगी,
परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी पी को उसकी पावर ए के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस परसेंटेज एरर इन क्वांटिटी क्यू को आपने उसकी पावर बी के साथ मल्टीप्लाई करना है, प्लस परसेंटेज एरर इन आर को उसकी पावर सी के साथ मल्टीप्लाई करना है विदाउट इंक्लूडिंग द नेगेटिव साइन ऑफ पावर। ये आपने ध्यान में रखना है। अब जैसे इस बात को हम विद न्यूमेरिकल क्लियर करेंगे कि जैसे आपके सामने एक फिजिकल क्वांटिटी एक्स है दैट इज इक्वल टू ए रेज टू पावर 2 बी रेज टू पावर 3 ओवर सी अंडर रूट डी, और जो क्वांटिटी ए है उसकी परसेंटेज एरर गिवन है 4%, बी की 3%, सी की 2% एंड डी की 1% परसेंटेज एरर गिवन है हमें, और हमने परसेंटेज एरर इन एक्स निकालनी है। तो सबसे पहले तो हमने फार्मूला में क्या नोट किया कि ए रेज टू पावर 2 है, बी रेज टू पावर 3 है और सी की पावर डिनोमिनेटर में 1 है तो ऊपर आके -1, और डी की पावर डिनोमिनेटर में अंडर रूट मींस 1/2 है तो ऊपर जाके -1/2। तो अब जब हमने एक्स की परसेंटेज एरर निकालनी है मैक्सिमम परसेंटेज एरर, तो कैसे निकालेंगे हम कि जो ए की परसेंटेज एरर है उसको पावर 2 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस बी की परसेंटेज एरर को पावर 3 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस सी की परसेंटेज एरर को पावर 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे और डी की परसेंटेज एरर को पावर 1/2 के साथ, क्योंकि माइनस साइन कंसिडर नहीं करने। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और आंसर आ गया 19.5%, और उसके साथ प्लस माइनस, क्योंकि जो रिलेटिव है और परसेंटेज एरर है वो प्लस माइनस हो सकती है। इसी तरह से इस न्यूमेरिकल में हमें क्या गिवन है, द एरर इन द मेजरमेंट ऑफ रेडियस ऑफ ए स्फीयर इज +-4%, व्हाट वुड बी द एरर इन द वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर। अब यहां पे हमें रेडियस की परसेंटेज एरर गिवन है +-4%, और स्फीयर के वॉल्यूम की परसेंटेज एरर निकालनी है। यहाँ पे आपने सबसे पहले, क्योंकि हमें वॉल्यूम ऑफ स्फीयर का फार्मूला गिवन नहीं है बट हमें मालूम है, तो हम वो फार्मूला मेंशन करेंगे। तो वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता है 4/3 πr³। अब इस फार्मूला में जो 4 है, 3 है, पाई है, ये नंबर्स जो हैं ये हमें 100% नोन है, मींस इनकी एरर एग्जिस्ट नहीं करती। 4, 3, π ये नंबर्स हैं और ये हमें 100% नोन है, विद 100% एक्यूरेसी हमें इनकी वैल्यूज नोन होती है। तो इस कारण जब हमने परसेंटेज एरर इन वॉल्यूम निकालनी है δV/V × 100%, तो जो 4 है क्योंकि ये 100% एक्यूरेसी के साथ नोन है, 3 भी 100% के एक्यूरेसी के साथ नोन है, पाई भी, तो इट मींस हमने 4, 3, पाई को कंसिडर नहीं करना। तो इट मींस हमारे पास सिर्फ एक ही फिजिकल क्वांटिटी बची, वो है आर रेज टू पावर 3। तो अब इट मींस उसका आंसर क्या आ जाएगा, पावर 3 को किसके साथ मल्टीप्लाई करना है, रेडियस की परसेंटेज एरर के साथ। अब रेडियस की परसेंटेज एरर आपको कितनी गिवन है, 4% +-, इट मींस आपका आंसर 12% आ जाएगा। तो इस तरह से आपने कैलकुलेशन करनी है रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर इन ए फार्मूला वेयर इन्वॉल्वड फिजिकल क्वांटिटीज हैज बीन रेज टू पावर, हैज बीन रेज टू सर्टन पावर्स, तो कुछ पावर्स उनपे रेज किया हो तो उसको कैसे सॉल्व करना है, तो ये हमने यहाँ पे सीखा है। थैंक यू वेरी मच।